हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज से हम अपने माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज जो है उसे शुरू करने जा रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जॉब जो है उसे पूरा करना होता है, लकड़ी काटने की जॉब। तो गाइस, मैंने बहुत सारा वुड काट लिया था और काट ही जा रहा था ताकि मैं उससे वुड प्लैंक्स बना सकूँ। काफ़ी देर तक मैं उसे काटता रहा, जितनी दूर तक मेरा हाथ गया मैंने उतनी दूर तक काटा, और फिर उसके बाद मैंने दूसरा झाड़ को काटना शुरू कर दिया। वहाँ साइड पर मुझे एक पिग भी मिल रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं अपना जो है पेड़ काटता रहा, फिर मैंने एक और थोड़ा सा और काट लिया पेड़, और उसे कलेक्ट करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और मैंने सोचा कि ये जगह थोड़ी अच्छी नहीं है, यहाँ पर अब फ्लैट सर्विस नहीं है, तो मैं कोई दूसरे सर्फेस पे जाता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ अच्छे अच्छी चीज़ें मिलें और मैं वहाँ पर अपना जो है घर बना सकूँ। फ्लैट सर्फेस चाहिए था मुझे, तो मैं बस ये जा रहा था, और मैं जा ही जा रहा था, और मुझे पता नहीं था इस वाले वर्ल्ड में मैं इतना लकी होगा कि मुझे सामने ही एक विलेज मिल गया गाइस। आई फाउंड अ विलेज। ये वर्ल्ड मेरे लिए इतना लकी था, मुझे पता ही नहीं था। वो देखिए जी, सामने विलेज दिख रहा होगा आपको। तो मैं भागा भागा वहाँ पर चला गया, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ भी थी, वो मैं वहाँ पर विलेज को जाकर बहुत ज़्यादा लूटने भी वाला था, और सामने ही मुझे एक विलेजर भी दिख गया जो हरी हरी गैस छोड़ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहा था, और मुझे यहाँ पर ही एक घर मिलेगा तो मैंने अंदर जाने के लिए सोचा, और यहाँ पर एक बेड भी था, लेकिन यहाँ पर कोई चेस्ट नहीं था। और लेकिन पता नहीं, एक विलेजर ने यहाँ पर सोफ़ा बना रखा था, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की थी विलेजर ने। और मैंने यहाँ से बेड तोड़ने का सोचा, मैंने सोचा कि मैं अपने घर में जाकर लगाऊंगा ऐसे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, तो मुझे घर बनाने के अभी तो ज़रूरत नहीं है, तो जो अगले वाले आने वाले एपिसोड होंगे उनमें हम बनाने का सोचेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और विलेजर देखा, उसने मुझे पलट कर देखा, लेकिन मुझे उसका थोपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे हिट किया और उसे इग्नोर करके मैं एक घर के अंदर चला गया। वहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी मिल गया गाइस। वो चेस्ट खोला, उसमें मुझे पोटैटोस मिले और ब्रेड मिले और एक आयरन नगेट मिला, और 2-3 सैपलिंग्स थी जो कि सैपलिंग्स मैंने नहीं ली, आयरन नगेट में मैंने ले लिया। और फिर उसके बाद मैंने क्रॉस कर दिया और मैं वो जो घर है उसे एक्सप्लोर करने लगा। वहाँ पर मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिला, जिसे कि मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने जो अपना जो है वुड लॉग्स है उसे मैंने वुडन प्लैंक्स में जो है कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे वुडन प्लैंक्स लेने के बाद मैंने लकड़ी बनाने का सोचा, तो मैंने लकड़ी भी बना ली अपने के लिए, 12 स्टिक्स बना ली। और उसे बनाने के बाद मैंने थोड़े से जो टेम्परेरी टूल्स भी बना लिए, जैसे कि एक्स स्वॉर्ड, शवल और पिकैक्स भी बना ली मैंने। पिकैक्स बनाने का भी सोचा मैंने, जिससे कि मैं स्टोन को माइन कर सकूं और स्टोन के जो है टूल्स बना सकूं। तो मैंने एक पिकैक्स भी बना ली, और उसके बाद मैंने उस क्राफ्टिंग टेबल को वहाँ से चुरा लिया। उसे चुराने के बाद कलेक्ट कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद मैं घर के बाहर चला गया। घर के बाहर जाने के बाद मुझे एक विलेजर दिखा जो कि ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन मेरे पास इतना सामान नहीं था कि मैं उससे ट्रेडिंग कर सकूं। और भाई, अचानक से मैं घर में स्पॉन हो गया, कैसे? यहाँ पर बहुत अच्छा जो है ब्लू पर्पल कारपेट भी था, जिसे मैंने तोड़ लिया थोड़ी बहुत डेकोरेशन के लिए। अगर तुम्हें कुछ फ्री में मिले तो उसे मत छोड़ना। तो मैंने जो है घर के अंदर चला गया, और ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर जो है पोजीशन था अच्छा था, और मैं ऐसे ही अपना घर बनाने का सोच रहा था, और ऊपर मैं अपना जो है स्टोरेज एरिया रखूँगा। और फिर उसके बाद मैं अपने घर के बाहर गया थोड़े बहुत घर को और एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पर एक घर दिखा मुझे, तो मैं इसके अंदर चला गया। और घर के अंदर मुझे पता एक कार्टो टेबल पता नहीं क्या था, मुझे इसका यूज़ नहीं पता था, लेकिन जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसे कभी ना नहीं करना चाहिए। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा।
इसके बाद ऊपर वाला पोर्शन भी रह गया था, मैंने ऊपर जाने का जो सोचा, और यहाँ पर एक मुझे चेस्ट भी मिल गया जिसमें कुछ खास नहीं था, बस एक कंपस था, तो मैंने उसे भी ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। फ्री की चीज़ तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए ना। तो मैं फिर घर के बाहर चला गया और मुझे वहाँ एक प्यारी सी गाय मिल गई जिसे मैं उसे भी नहीं छोड़ा मैंने। फिर उससे मुझे लेदर मिला, लेदर का मैं आर्मर बना सकता था स्टार्टिंग के लिए। और फिर इधर से मैंने एक और बेड तोड़ लिया ताकि मैं अपने घर में से अच्छे से सजा सकूँ। तो फिर मैंने बाहर जाने का सोचा अपने घर में, अपने घर में मैं चला गया, मैं अपना घर भूल गया था, लेकिन फिर से मुझे वो मेरा घर मिल गया। और फिर अंदर जाने के बाद मैं अपना डोर क्लोज कर लिया। और फिर मैंने जो है मैंने एक सोचा कि एक प्लान बनाया कि मैं माइनिंग शुरू करूं, एक अच्छा सा एरिया बनाऊं। बाहर तो मैं बना नहीं सकता था, बना सकता था, लेकिन मैंने अंदर बनाने का सोचा कि अंदर से थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं घर के अंदर से ही माइनिंग करूं। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा एरिया बना लिया, स्टेयर्स बनाने का सोचा, क्योंकि माइनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम कोल ले सकते हैं, कोल से हम खाना भी पका सकते हैं और टॉर्चेस भी बना सकते हैं माइनिंग के दौरान, और आयरन मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। तो गाइस आज की वीडियो जो थी इतनी ही थी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार प्लीज़ जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो गाइस। तो नेक्स्ट वाले जो एपिसोड आएगा उसमें हम अपना फार्म तैयार करेंगे और बहुत सारी माइनिंग भी करेंगे गाइस। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर ज़रूर करना यार, शेयर ज़रूर करना आपके जो भी गेमर हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं।